विदेश मंत्री एस जयशंकर और इतिहासकार रामचंद्र गुहा आमने सामने हो गए हैं। दोनों के बीच ट्विटर पर बहस तेज हो गई है। दोनों के बीच इस बहस के केंद्र में सरदार पटेल और नेहरू हैं। असल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजनीतिक सुधारक वीपी मेनन पर लिखी एक किताब का लोकार्पण किया और उस किताब में वीपी मेनन का बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल को नेहरू अपनी कैबिनेट में शामिल ही नहीं करना चाहते थे। सवाल ये है कि क्या देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल को अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं करना चाहते थे? एस जयशंकर ने किताब में लिखे वीपी मेनन के इस बयान का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, मुझे इस किताब से पता चला कि 1947 में सरदार पटेल को नेहरू अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं करना चाहते थे और कैबिनेट की पहली लिस्ट में उनका नाम भी नहीं रखा गया था। ये एक बड़ी चर्चा का विषय है, लेकिन लेखक ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की बात पर अड़िग है। इस किताब की लेखिका इतिहासकार नारायणी बासु हैं। एस जयशंकर ने जब ट्वीट किया तो रामचंद्र गुहा ने उस पर अपनी टिप्पणी की और कहा कि ये बात पूरी तरह से झूठा है और इस झूठ से प्रोफेसर श्रीनाथ राघवन पर्दा उठा चुके हैं। रामचंद्र गुहा ने विदेश मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि आधुनिक भारत के निर्माताओं के बारे में झूठी खबर फैलाना, झूठी शत्रुता पैदा करना देश के विदेश मंत्री का काम नहीं है। उन्हें ये काम भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल पर छोड़ देना चाहिए। रामचंद्र गुहा की बातों का जवाब एस जयशंकर ने कुछ इस अंदाज में दिया। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि कुछ विदेश मंत्री भी किताबें पढ़ते हैं, कुछ प्रोफेसरों को भी ये अच्छी आदत होनी चाहिए और इस मामले में मैं पूरी तरह से उसे प्रस्तावित करता हूँ, जिसका मैंने विमोचन किया है। नेहरू और पटेल की जो बातें सामने आई है, इस पर अभी और सियासत होगी, इतना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।